हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पे वीडियो बहुत ही समय बाद आ रही है क्योंकि कोई प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, 150 सीसी सेगमेंट की बाइक इंडिया में उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि दोस्तों इंडिया में लोगों का बजट एक लिमिट में होता है, क्योंकि उस लिमिट में जो बजट होता है, अगर वो स्पोर्ट्स बाइक ख़रीदना भी चाहते हैं तो कुछ वो एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक ही ख़रीद पाते हैं, और उनमें हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी की बाइक्स है जो 150 सीसी से लेकर 200 सीसी में लिमिट होती है। उससे ऊपर अगर हम ले तो बजट थोड़ा बाहर चला जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यामाहा R15 वर्जन 3 और सुजुकी जिक्सर 150 SF के बारे में, 2019 एडिशन। ये दोनों बाइक में आपको 155 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, पर दोस्तों बहुत सारे इंजन में भी आपको फ़र्क मिलेंगे और लुकिंग के मामले में भी आपको चेंजेस मिलेंगे, दोनों में देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम दोनों का ही एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अगर लुक्स की बात करूँ तो दोनों ही आपको फुल फेयर्ड बाइक देखने को मिलेंगी, दोनों ही एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक है। पर अगर हम ज़्यादा बढ़िया लुकिंग की बात करें तो R15 में आपको ज़्यादा अच्छी लुक देखने को मिलती है। ये आपको काफ़ी इसमें डिटेलिंग देखने को मिलती है यामाहा R15 में, जो आपको प्रीमियमनेस देती है। वहीं सुजुकी जिक्सर भी कम नहीं है, वो भी काफ़ी बढ़िया है उस सेगमेंट में। अगर आप लुकिंग के मामले में डिटेल में देखना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर मैं दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा दोनों ही वीडियोज़ के, आप उसका डिटेल में सिंगल रिव्यू देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब लुकिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लगभग 15-20 मिनट की बन जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम इसके मेन फीचर्स की अब हम बात करते हैं। इंजन की अगर हम बात करें तो आपको दोनों में 155 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। सुजुकी जिक्सर SF 150 में सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व SOHC इंजन देखने को मिलता है। वहीं R15 में सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वॉल्व इंजन देखने को मिलता है, इसमें आपको वॉल्व 4 देखने को मिलते हैं। दोनों की डिस्प्लेसमेंट 155 सीसी पर बेस्ड है। पावर की बात करें तो आपको सुजुकी जिक्सर SF 150 में 14.1 PS की पावर देखने को मिलती है 8000 RPM पर, और वहीं R15 वर्जन 3 में 19.3 PS की पावर देखने को मिलती है 10000 RPM पर। तो पावर के मामले में क्लियर विनर है यामाहा R15, क्योंकि दोस्तों इसमें इंजन काफ़ी बढ़िया यूज़ किया गया है। क्योंकि R15, जैसे कि पता है आपको, सीरीज़ जो एक R1 है, काफ़ी इनकी फ्लैगशिप सीरीज़ है, उसी से मतलब देख कर ये कंपनी ने ये उसका छोटा मॉडल यहाँ पे इंडिया में बेचती है, तो इसमें पावर तो होनी है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो आपको सुजुकी जिक्सर SF 150 में 14 न्यूटन मीटर की टॉर्क देखने को मिलती है 6000 RPM पर, और वहीं R15 में आपको देखने को मिल जाती है 15 Nm की टॉर्क 8500 RPM पर, और दोनों में ही आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल जाते हैं। गियर्स की बात करें तो आपको सुजुकी जिक्सर SF में 5 गियर्स देखने को मिलेंगे, और वहीं R15 में 6 गियर्स देखने को मिल जाएंगे। एक और फ़ायदा है आपको, यामाहा R15 में स्लिपर क्लच फैसिलिटी भी देखने को मिलती है, तो आपको गियर डालते वक्त झटके बिल्कुल भी महसूस नहीं होंगे। स्टार्टिंग मेथड दोनों में ही सेल्फ के थ्रू स्टार्ट होते हैं, दोनों में ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों में ही आपको ट्विन डिस्क देखने को मिल जाती है, पर दोस्तों फ़र्क है ABS का। आपको सुजुकी जिक्सर SF 150 में सिंगल चैनल ABS देखने को मिलती है, वहीं आपको यामाहा R15 में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने बढ़िया फीचर है आपको R15 में, तो दोस्तों प्राइसिंग भी थोड़ी इसकी ज़्यादा है, वो कितनी ज़्यादा है आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो आपको सुजुकी जिक्सर SF में फ्रंट में टेलीस्कोपिक कोइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, वहीं आपको R15 में भी फ्रंट में सेम टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलते हैं। रेयर सस्पेंशंस की बात करें तो आपको सुजुकी जिक्सर SF 150 में रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशंस देखने को मिलेंगे, वहीं आपको R15 में भी मोनोशॉक स्विंग आर्म सस्पेंशंस देखने को मिल जाएंगे। टायर्स एंड व्हील्स की बात करें तो आपको सुजुकी जिक्सर SF 150 में जो उसका फ्रंट टायर है, आपको 100/80 का देखने को मिलेगा 17 इंचेस का, और R15 में आपको फ्रंट सेम देखने को मिलेगा 100/80 का 17 इंच का। रेयर में आपको सुजुकी जिक्सर SF 150 में 140/60 का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है 17 इंच का, एंड आपको R15 में 140/70 का देखने को मिलता है। दोनों में ही आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे फ्रंट एंड रेयर में, और दोनों में ही आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं।
दोस्तों अगर हम और डिटेल्स की बात करें जैसे कि लेंथ की, तो आपको आपको सुजुकी जिक्सर SF में 2025 mm की लेंथ मिलेगी, वहीं R15 में 1990 mm की। विड्थ की बात करें तो 715 mm की विड्थ आपको सुजुकी जिक्सर SF में देखने को मिलेगी एंड 725 mm की आपको R15 में देखने को मिलेगी। हाइट की बात करें तो 1135 mm की हाइट आपको सुजुकी जिक्सर SF150 में देखने को मिलेगी एंड R15 में 1135 सेम ही देखने को मिलेगी। व्हील बेस के मामले में आपको 1340 mm का जिक्सर में देखने को मिलेगा एंड 1325 mm का R15 में। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm आपको जिक्सर में देखने को मिलेगा एंड 170 mm आपको R15 में देखने को मिलेगा। सीट हाइट आपको 795 mm आपको जिक्सर में देखने को मिलेगी एंड 815 mm की आपको R15 में देखने को मिलेगी। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे सुजुकी जिक्सर SF में देखने को मिल जाती है और 11 लीटर की आपको R15 में। दोनों ही फ्रंट एंड रेयर में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे एंड रेयर में LED टेल लाइट देखने को मिलती है। दोस्तों ये तो हुआ कंपैरिजन, अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का प्राइसिंग कितना है। प्राइसिंग की बात करें तो सुजुकी जिक्सर SF150 की प्राइसिंग है 1,11,000 एक्स शोरूम प्राइस इन न्यू दिल्ली, और अगर हम R15 वर्जन 3 की प्राइसिंग की बात करें वो है 1,40,000 एक्स शोरूम प्राइस इन दिल्ली। तो आप देख सकते हैं लगभग आपको 30,000 का फ़र्क है, तभी आपको 30,000 में आपको उसमें फ़ीचर्स काफ़ी बेटर देखने को मिलते हैं। ये आपके ऊपर है दोस्तों, आपको ज़्यादा पावर चाहिए या फिर आपको डुअल चैनल ABS चाहिए या स्लीपर क्लच चाहिए तो आपको R15 की तरफ जाना होगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना होगा। अगर आपका सीमित है बजट 1,10,000 के बीच में, तो आप सुजुकी जिक्सर SF150 के ऊपर आप जा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना। ये वीडियो आपको किस तरह की लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर ले, दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और दोनों ही अगर आप इस वीडियो को डिटेल देखना चाहते हैं रिव्यू, आपको दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।